एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल किए जाने के बाद एक कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में मार्जिन मनी, क्लस्टर मार्केटिंग सहित अन्य योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिससे जनपद में रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनाकर उसका उत्पादन और बिक्री को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आर्टिजन जिनके बने हैं टेराकोटा के, इनके सर भी आर्टिजन है, आर्टिजन तो आर्टिजन कार्ड बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो फैसिलिटी है हमारे प्रदेश के किसी मेले में, प्रदेश के बाहर के मेले में या विदेश अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक दिन पर एक उत्पाद डिफरेंट नुकसान स्कीम है, डिफरेंट डिफरेंट है, माल भाड़े का 75%, आने जाने का 75% और इस साल का सालाना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे उसका 75% नुकसान स्कीम एक चलती है जिसमें 10,000 तो वो इससे अलग है, उसका लिमिटेशन है कि 10,000। कंडीशन ये है कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो जो बेसिक चीज़ है हासिल की पैसा करना है सर अभी और बनवाना है क्योंकि नवंबर में ऐड हुआ। तीसरा सर जो इसमें है ODOP में तीन ही सेक्शन है, तीसरा है CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसपे DSR शार्टली भी बताएंगे, उसमें 90% स्टेट गवर्नमेंट का अनुदान है, 10% जो हम लोग CFC बनाएंगे उसकी जो SPV होगी सर वो SPV का कंट्रीब्यूशन 10% था। पीतल का बर्तन सर, एक गांव था बकिरा, बकिरा में 200-250-300 आर्टिजन्स थे, वो वित्त पोषण में पता चला मुद्रा मिल चुके हैं, बाप डिफाल्टर हो गया, बेटा को आगे कर दिया, तो इनका जब सिविल चेक होता था तो बैंक तो सिविल के अकॉर्डिंग करेगा, तो वो एक प्रॉब्लम थी, 2 साल चला, तीसरे साल रमेश गुप्ता साहब थे DM थे, तो वो हमने सर से कहा, तो हमने कहा ये आगे भी आएगा, हम आइटम तो बना लिए, तो बरदैया हाट है सर, सैटरडे की शाम से लेके संडे की नाइट तक सारा माल सर स्टॉक उनका इस बार गाड़े में चला, जो लॉकडाउन की एक समस्या थी वो भी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी सर आई, लेकिन उन्होंने कहा हमके देखो तुम लोग का ईमान सही होगा तो फिर कुछ बदली छा जाए आपको उसमें काट ले। और आज जो उद्योग विभाग द्वारा हमारी एक जितनी भी रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि है, क्योंकि गोरखपुर अब ODOP में रेडीमेड गारमेंट में आ गया है, तो उसके लेके एक मीटिंग की गई जिसमें मुख्यतः जो 2 डिसीजन लिए गए, एक तो जो एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा जो टोटल डेडिकेटेड होगा रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, जिसमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगेंगी और वो पूरी रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी होगी। दूसरा, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग 6 या 7 मार्च के बाद एक लगातार एग्जीबिशन लगाएंगे ताकि जो जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं पहले से उन सबको वहाँ डिस्प्ले किया जा सके और लोग वहाँ से परचेज कर सके, इससे मार्केट बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पे आके पर्टिकुलर डे पे वो ले पाएंगे और इसको मार्केटिंग बढ़ाने के लिए बाद में इसकी भी एक परमानेंट प्लेस दी जाएगी। सर, रेडीमेड गारमेंट को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कौन भी नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है? उसमें क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम बैंकर्स के साथ अगले हफ्ते एक मीटिंग करेंगे ताकि जो बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और बाकी सारे विभागों के साथ उद्योग की डायरेक्ट मीटिंग मेरी अध्यक्षता में कराई जाएगी, जो जो समस्या है वहीं पर सॉल्व की जाएगी।